टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगर हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो सबसे पहले इट इज अ स्मॉलेस्ट ग्लैंड। नंबर वन, इट वेज ऑनली हाफ ग्राम। इट्स वेट इज ऑनली हाफ ग्राम एंड इट्स डायामीटर इज 1.3 सेंटीमीटर। डायामीटर इसका होता है, कहाँ लोकेटेड होता है? इन द ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस होता है। बिलो हाइपोथैलेमस होता है। और मैंने बता दिया हुआ है, जब मैंने स्ट्रक्चरल ब्रेन पढ़ा था उसमें बोलते मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। सबसे छोटा ग्लैंड है ये, हाफ ग्राम इसका वेट है। वेट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, हाफ ग्राम वेट। और इसके मेन दो ही लोब होते हैं, अगर हम पढ़ते जाएंगे थोड़ा, तीन लोब होते हैं लेकिन असल में इन डिटेल दो ही लोब। अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप लिखेंगे टू लोब्स। तो एक पहला लोब इसका जो होता है, और हर लोब का अलग अलग ऑरिजिन होता है। इससे पहले मैं बता दूं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका ऑरिजिन है एक्टोडर्म। याद रखना पहले, एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो से इसका ऑरिजिन हुआ है, जैसे जर्म लेंस आपको पता है एक्टोडर्म। तो पहला जो लोब है इसका, उसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस और दूसरा हम कहते हैं उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, इसका दूसरा नाम है एंटीरियर लोब। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लोब। और अलग अलग लोब्स जो होते हैं अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं। और ये मैं बता दूं, जो एडिनो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब है, इट फॉर्म्स 70% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस वन फॉर्म्स ओनली 25% ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम बात करेंगे एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उनकी सिक्रीशन क्या होती है। तो इसकी बात करूंगा मैं। पहला हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड वो है ग्रोथ हार्मोन। इसको मैं लिखूं शॉर्ट में GH। इसका दूसरा नाम है सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन, इसको ये भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है स्टिमुलेट करना ग्रोथ को। सोमा मीन्स बॉडी और ट्रॉफिक, सोमा मीन्स बॉडी एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो ये सारे जिस्म को न्यूट्रिएंट्स देते हैं, या हम बोलेंगे इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ। स्टिमुलेट्स ग्रोथ, सारे जिस्म में ये ग्रोथ देता है। इसका काम उस दूसरा है कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन को, ये ग्लूकोज बनाता है, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ये भी इसी का काम है। और ये क्या करता है, तो तीसरा काम ये एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम बाउल। बाउल जानते हो किसको कहते हैं? जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होते हैं इसको बाउल कहते हैं। उस बाउल से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो इसके जो काजेज होते हैं डेफिशिएंसी अगर ग्रोथ हार्मोन की होगी, तो पहला काज होगा डिवॉर्फिज्म। अगर इसकी सेक्रेशन बिल्कुल कम निकली होगी तो जो इंसान होगा वो छोटे, बिल्कुल छोटे कद का रहेगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी। अगर इसकी सेक्रेशन ज़्यादा हुई तो इंसान जिन जैसी शक्ल उसकी होगी, जेंट लाइक, उसको हम कहते हैं जीजेंटिज्म। ये डिसऑर्डर है। अगर इसकी सेक्रेशन कम होगी तो डिवॉर्फिज्म होगा, अगर इसकी सेक्रेशन ज़्यादा होगी तो जीजेंटिज्म होगी,
लेकिन जब तक ग्रोथ इंसान में होती है अप टू 25, उसके बाद जब इंसान 25 से आगे या 30 से आई जहाँ जिस लेवल पे ग्रोथ रुक जाती है, उस वक्त अगर इसकी कंसंट्रेशन कम ज़्यादा होगी तब क्या होगा, तब इंसान तो छोटा नहीं होगा, इंसान जितना लंबा था तो लंबे से छोटा नहीं होगा, बल्कि क्या एक और डिजीज पाई जाएगी, दैट्स कॉल्ड एक्रोमिगैली। ये बूढ़ों में ज़्यादातर पाई जाती है एक्रोमिगैली। इसका सिम्टम क्या है, जो चीख है चीख बिल्कुल अंदर रहेगी और ये जो पैरों और हाथों के उंगलियां हैं ये लंबी हो दिखेंगी आपको, और जो ये अगले दांत हैं बिल्कुल बाहर होंगे, बिल्कुल चिन बाहर जैसा लंबी जैसी चिन दिखेगी आपको, उसको हम एक्रोमिगैली कहते हैं। तो ये हो गया ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाता है, ये कैल्शियम लेवल को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम बाउल। अगर इसके नुकसान होंगे तो ड्वार्फिज्म होगा, जिजेंटिज्म होगा और एक्रोमिगैली होगी। अब दूसरा हार्मोन जो सिक्रीट होता है एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी से वो है TSH, दैट्स कॉल्ड थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन इसको कहते हैं, और थायरोट्रोपिन कहते हैं इसको। आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा है, जो भी थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है या थायराइड ग्लैंड में जो सिक्रीशंस बनती हैं, मतलब थायरोक्सिन बनता है, कैल्सिटोनिन बनता है या T3 T4 बन जाते हैं, ये सारा काम करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड अलग से ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोबा पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो इसका कंट्रोल थायराइड ग्लैंड पे भी है, एक तो ये खुद सिक्रीट करता है, दूसरा ये कंट्रोल करता है थायराइड ग्लैंड को भी, सारी सेक्रीशंस निकलती हैं जब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा। तो अब डिसऑर्डर्स तो मैंने बता दिए हैं क्या होगा, क्रेटिनिज्म हो जाता है, सिंपल गॉइटर हो जाता है, मिक्स एडिमा पाया जाता है, ये चीज़ें होती हैं अगर इसका डिसऑर्डर होगा। तो तीसरा हार्मोन जो है रिलीज होता है विच इज कॉल्ड ACTH, फुल फॉर्म इसकी मैं लिख दूँ, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। यहाँ पे भी देखेंगे आप मास्टर ग्लैंड क्यों है, इसका आंसर यही मिलेगा, ये जो एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, इट स्टिमुलेट्स मैं लिख दूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, किडनी पे होता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट करता है और वहाँ पे क्या निकलती है, उसके हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने एड्रिनल ग्लैंड के सारे हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स सेक्स कॉर्टिकॉइड्स बता दिया, जब तक ना ACTH उसको स्टिमुलेट नहीं करता है कॉर्टेक्स को, तो एड्रिनल ग्लैंड से कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। चौथा हार्मोन जो इससे इसी लोब से सिक्रीट हो जाता है दैट विच इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन, याद रखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको हम दूसरा बोलते हैं नाम हार्मोन ऑफ मैटर्निटी, याद रखिएगा हार्मोन ऑफ मैटर्निटी भी कहते हैं इसको, इसको मेमोट्रोफीन भी कहते हैं, इसको ल्यूटियोट्रोफीन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसको इसके। इसका काम क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट्स हो जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, याद रखिएगा ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट्स, और जो मेमोरी ग्लैंड्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी कि मिल्क ग्लैंड्स बन जाते हैं, मिल्क निकलना शुरू हो जाता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मेमोरी ग्लैंड्स
सेक्रेट होना शुरू कर देते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। तो ल्यूटियोट्रोपिन क्यों कहते हैं इसको, ये जो ओवरी में होता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस जो होता है ल्यूटियम ऑफ ओवरी, कार्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी जो होता है उसमें से सिक्रीट करता है ये ऑस्ट्रोजन। याद रखिएगा फीमेल हार्मोन निकल आता है ऑस्ट्रोजन। तो याद रखिएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ मैटरनिटी भी कहते हैं। प्रेगनेंसी में जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होती होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से होती है। और क्या होता है, और मेमोरी ग्लैंड का बन जाना या दूध का बन जाना जो कि एपिथेलियल सेल्स होते हैं निप्पल के पीछे, वहाँ पे जो दूध बन जाता है उसको वो ब्लड इनटू द लार्ज डक्ट डाल देता है, उसके बाद से बच्चा जब सक करता है तो दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ल्यूटियोट्रॉफिक भी। एक और हार्मोन इसी लोब से मैं बात कर रहा हूँ, एंटीरियर लोब की। मैं क्यों शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कों ने मुझे मैसेज किया कि आप ज़्यादा लेंथी जाते हो, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंटर्स ही कभी कम बताता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। एक और हार्मोन इससे रिलीज हो रहा है, दैट्स कॉल्ड गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन और गोनेडोट्रॉफिन। गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन जो है इससे दो, इसके दो हार्मोन होते हैं फर्दर। पहला क्या आता है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। दूसरा कहलाता है ल्यूटीनिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं FSH, इसको लिखते हैं LH। इसका काम क्या है, ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स हो जाती है इसे, इट स्टिम्युलेट्स ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ हो जाती है। नतीजे क्या निकलता है, नतीजा निकलता है प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इन केस ऑफ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट हो जाता है और ये हो गया फीमेल्स में, और सुपर मेटोजोआ का काम यहाँ पे आ जाता है। सुपर मेटोजोआ हो गया स्पर्म का बन जाना, स्पर्म फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो फॉलिकल स्टिम्युलेट हार्मोन ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करता है, जिसे सेक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोन, और मेल्स में क्या करता है, ये मेल्स में ये स्पर्म को बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये बात हो गई इसकी। ल्यूटीनिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, मैं लिख दूं यहां पे ल्यूटीनिंग हार्मोन। इसका काम क्या है, इसका काम है लीडिंग सेल्स, लीडिंग जो सेल्स होती हैं वो टेस्टिस में होती हैं, मेल टेस्टिस में होती है, लीडिंग सेल्स को ये स्टिम्युलेट करके क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे लोब की जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब से पहले मैं पढ़ा दूँ जो कि थोड़ा वो जो कि एक ही हार्मोन से रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड मिडल लोब, मिडल और इंटरमीडिएट लोब, मिडल और इंटरमीडिएट लोब। इससे एक ही हार्मोन सेक्रेट हो जाता है, दैट्स कॉल्ड MSH, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मेलानो साइट स्पेलिंग खुद कीजिएगा चेक, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये करता है सक्रिय। इसका काम क्या है, इसका काम है टू डार्कन, डार्कन द कलर, कलर को ये डार्क करता है इन फ्यू एनिमल्स,
और ये भी कहा जाता है कि जो मैन होते हैं उनमें भी जो डार्कनिंग ऑफ कलर पिगमेंटेशन होती है, पिगमेंट जो पिगमेंट सेल्स जो होते हैं वो पिगमेंट सेल्स को डिस्पर्स करके डार्क कर जाते करते हैं कलर ऑफ स्किन। तो ये एक ही हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रिलीज होता है फ्रॉम इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट लोब पढ़ेंगे हम, विच इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब, और मैंने बता दिया इसका नाम दूसरा नीरो हाइपोफाइसिस। इससे खाली दो हार्मोन सेक्रेट होते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा एडीएच। एडीएच क्या होता है मैं लिख दूं, एंटी डायोरेटिक हार्मोन, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं वैसोप्रेजिन। वैसोप्रेजिन ये याद रखिएगा। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम कहते हैं बर्थ हार्मोन। एक बर्थ हार्मोन इसको कहते हैं, मैं बता दूं क्यों। दूसरा बोलते हैं इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। तो बर्थ हार्मोन क्या है, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तो इसे सिक्रीट करना शुरू कर देता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी डेवलप होती है और यूटराइन वॉल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और बर्स्ट में आसानी हो जाती है, यूट्रस को ये वाइड कर देता है बिकॉज ऑफ दिस। और बाद में जो दूध निकलना शुरू हो जाता है वो इसी की वजह से होता है। तो इसका जो एंटी डायबिटिक का काम क्या है, इसके दो काम होते हैं याद रखिएगा। पहला इसका, इसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। इसका ये काम है, बता दूं मैं क्या होता है, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट। और दूसरा इसका है प्रेशर इफेक्ट। प्रेशर इफेक्ट, एंटी डायूरेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये इसका काम होता है रीएब्जॉर्ब करना, रीएब्जॉर्प्शन, पानी को वापस खींचना ऑफ वाटर। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ से, फ्रॉम रेनल ट्यूबुल्स, फ्रॉम रीनल ट्यूबुल्स और नेफ्रॉन्स। इनसे ये पानी को वापस खींचता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इजाफा हो जाता है एंड एंड इंक्रीजेस इंक्रीजेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से खून में इजाफा हो जाता है। अब इसका प्रेशर इफेक्ट क्या है, प्रेशर इफेक्ट जो है ये सारे यूट्राइन जो गॉल ब्लैडर वॉल होता है, इंटेस्टाइनल वॉल्स होते हैं, तमाम जो वॉल्स होते हैं उनको ये कंट्रैक्ट कर जाता है। और कंट्रैक्शन के बाद जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होती हैं और ब्लड वॉल्यूम इसका, ब्लड प्रेशर इसका बढ़ जाता है। तो इसका ये इफेक्ट है, तो इसके दो इफेक्ट्स हैं। तो बाद में कि अगर डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, अगर ACTH काम नहीं करेगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता है, नतीजा निकलेगा एक चीज, या इसकी बात करूंगा मैं ADH की। अगर ADH कहाँ लिखा मैंने, अगर इसका प्रॉब्लम होगा तो नतीजा निकलेगा यूरिनेशन ज्यादा होगी, दैट्स कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस होगा। वो क्या होता है, जैसे ब्लड शुगर होता है, वो शुगर इन यूरिन होगा तब उसको कहते हैं डायबिटीज मेलेटस। लेकिन यहाँ पे जो यूरिनेशन होगी, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगी, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये इसकी वजह से होगा, अगर इसके इसमें कोई डिफॉर्मेशन, कोई डिसऑर्डर इसका वजह, अगर कोई सिक्रीशन यानी कि ये काम नहीं करता होगा बराबर, तो डायबिटीज इंसिपिडस होगा। ग्रोथ हार्मोन का मैंने बता दिया, तो ये आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन और या मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं इसको, एंटी डायबिटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन। इसका इसके दो इफेक्ट होते हैं, एंटी डायबिटिक इफेक्ट एंड प्रेशर इफेक्ट। एंटी डायबिटिक इफेक्ट क्या होता है, इसलिए अब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूबुल्स और नेफ्रॉन्स और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में इजाफा कर जाता है। प्रेशर इफेक्ट क्या होता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है हर एक वॉल को, ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, नतीजे निकलता है ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होकर ब्लड प्रेशर में इजाफा कर जाते हैं। बाय।